welcome to Rari Secondary School. Hopefully you are fine. So today is your class topic of science according to your schedule. So आज हम क्या पढ़ेंगे, हम साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे, सही, जो आपके शेड्यूल के मुताबिक है, सही। तो सबसे पहले तो क्या करना है, क्लास वन जो लोग प्रमोट हुए क्लास वन के अंदर, के जी टू से प्रमोट होकर क्लास वन में आए हैं, उनको सबसे पहले क्या करना है, अपना कोर्स खरीदना है, अपनी बुक खरीदनी है। तो मैं आप लोगों को आपकी बुक का टाइटल दिखाती हूँ। आपकी बुक का टाइटल ये है जो आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, सही है। आप अपनी बुक को ख़रीदेंगे और फिर उसे आप खोलेंगे और पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, सही है। तो सबसे पहले हम यूनिट नंबर वन पर आते हैं। ये रहा आपका यूनिट वन, पेज नंबर वन, और चैप्टर नेम है आपका साइंस। क्या नाम है आपके चैप्टर का? साइंस। ओके, सो सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। साइंस इज़ अ वे ऑफ फाइंडिंग थिंग्स आउट, सही। साइंस एक ऐसा तरीका है जो हम चीज़ों का पता लगा सकते हैं, जिससे हम चीज़ों का आराम से पता लगा सकते हैं। अब आ गए हम अपने नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर टू पर, सही है। जब आप अपना पेज नंबर टू ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले ऊपर क्या नज़र आ रहा है, एक पिक्चर नज़र आ रही है जहाँ लिखा हुआ है नीचे, दिस इज़ एन आंट, इट हैज़ सिक्स लेग्स। कितने लेग्स होते हैं इसके? सिक्स लेग्स होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पर आए, दिस इज़ अ फ्लावर, इट हैज़ फोर पेटल्स। कितने पेटल्स होते हैं इसके? फोर पेटल्स होते हैं। अब एंड एप्पल इज़ रेड, एप्पल का कलर कैसा होता है? रेड होता है, सही। अ लीफ इज़ ग्रीन, लीफ कैसे कलर का होता है, कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। टी इज़ हॉट, चाय कैसी होती? गर्म होती है। आइस इज़ कोल्ड, आइस कैसी होती है? ठंडी होती है ना, बर्फ़ तो। ओके, स्टोन इज़ हार्ड, स्टोन कैसे होते हैं? बिल्कुल सख्त होते हैं, सही। जेली इज़ सॉफ्ट, जेली कैसी होती है? बिल्कुल सॉफ्ट होती है, सही। अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर थ्री। सो ऊपर देखें आपको कुछ पिक्चर नज़र आ गई, अब ये हैं एनिमल्स की पिक्चर, सही। अब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। अ हॉर्स इज़ स्ट्रांग, घोड़ा कैसे होता है? बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत स्पीड में भागता है, देखा ही होगा आप लोगों ने। टॉर्टोइस इज़ अ स्लो, कैसा होता है कछुआ? कछुआ बहुत स्लो होता है। अ माउस इज़ स्मॉल, माउस कैसा होता है? चूहा कैसे? बहुत छोटा सा होता है। अ किटन इज़ वीक, बिल्ली का बच्चा कैसा होता है? बहुत कमज़ोर सा होता है। अ रैबिट इज़ फास्ट, रैबिट कैसा होता है? बहुत फास्ट भागता है। अ फुटबॉल इज़ राउंड, फुटबॉल कैसी होती है? बिल्कुल राउंड होती है, गोल होती है। ओके, एन एलिफेंट इज़ बिग, एलिफेंट कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है। अ स्लाइस ऑफ टोस्ट इज़ स्क्वायर, आप लोगों ने ब्रेड के स्लाइस तो खाते होंगे ना सुबह ब्रेकफास्ट में, तो वो कैसा होता है? स्क्वायर शेप में होता है, सही है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। सो क्लास, आपका ये पेज नंबर फोर, आपका होमवर्क ये कि जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, होपफुली आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने पेज नंबर फोर पे जाना है और अपनी एक्टिविटी करनी है, सही है। जैसे क्वेश्चन नंबर वन लिखा हुआ है अभी यहाँ ऊपर देखिए आप, पिक आउट द लिविंग थिंग्स एंड पुट अ सर्कल राउंड देम। अच्छा, आपको ये पिक्चर्स जो बनी हुई आपको नज़र आ रही होंगी यकीनन, सही। आपको क्या करता है, इन पिक्चर्स के अंदर आपको वो पिक्चर्स को ढूंढना है, उन पिक्चर्स को ढूंढना है जो लिविंग थिंग्स के अंदर शामिल होती हैं, और उन पिक्चर्स को आपको क्या करना है, राउंड करना है, सर्कल बनाना है, सही है उस पर। तो लिविंग थिंग्स तो आपको पता होगा, मैंने बस समझाया था लास्ट लेक्चर के अंदर, लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? ऐसी चीज़ें जो सिर्फ हवा, पानी और खाने पर ज़िंदा रहती है और जो ग्रो करती। तो आप देखिए, फर्स्ट पिक्चर आपकी क्या है, बलून। बलून लिविंग थिंग है? नो। फ्लावर, फ्लावर आपका लिविंग थिंग है? यस। तो हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे इस पर। ओके, नेक्स्ट पर है एलिफेंट। एलिफेंट क्या है, लिविंग थिंग है? ऑफ कोर्स, क्यों? क्योंकि ये ग्रो भी करता है और ये हवा, पानी, फूड पे जिंदा रहता है। तो हम क्या करेंगे, इस पर सर्कल करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, जेली। जेली लिविंग थिंग है? नो, बिल्कुल भी नहीं है ये। पेंसिल, पेंसिल लिविंग थिंग है? बिल्कुल भी नहीं है। और ये क्या है, एक बर्ड बना हुआ, बर्ड लिविंग थिंग है? यस, बिल्कुल है, क्योंकि ये ग्रो करता है। ओके, स्टून, स्टून आपको नज़र आ रहा है ना, ये लिविंग थिंग में? नो, क्योंकि ना ये ग्रो करता है, ना इसको फूड की ज़रूरत होती है, ना इसे हवा, पानी की ज़रूरत है, सही है। आपको अब कैट नज़र आ रही, कैट लिविंग थिंग है? बिल्कुल लिविंग थिंग है, क्योंकि ये ग्रो करती है। फिश लिविंग थिंग है? बिल्कुल लिविंग थिंग है।
सो आपकी एक्टिविटी क्या है, आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आपने लेनी थिंग्स को ढूंढ कर उनके ऊपर सर्कल करना है, सही, राउंड करना है, उनके ऊपर बताना है कि ये लेनी थिंग्स में शामिल होते हैं, सही। अब आपको क्या करना है, आपको अब क्वेश्चन नंबर टू, एक्सरसाइज नंबर टू पर आना है, जहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रहा है लिखा हुआ है चूज़ द करेक्ट वर्ड्स। क्या करना है आपको, आपको करेक्ट वर्ड्स को चूज़ करना है, सही। जैसे नंबर ए पर देखें, एन आंट हैज़ 6/4 लेग्स। अब आपको बताना है कि 6 लेग्स होते हैं कि 4 लेग्स होते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि आंट के कितने लेग्स होते हैं, 6, कितने होते हैं, 6 होते हैं, सही। एन एप्पल इज ब्लू रेड। एप्पल कैसा होता है, ब्लू होता है कि रेड होता है, आपने खाया है ना, तो कैसा होता है, रेड होता है। ओके, नंबर सी पर आ जाते हैं, हम सी पर आए पॉइंट पर, अ लीफ इज ग्रीन रेड। कैसा होता है, ग्रीन होता है कि रेड होता है, ग्रीन होता है। डी पर आ जाएं, जेली इज हार्ड सॉफ्ट। जेली कैसी होती है, सॉफ्ट होती है कि हार्ड होती है, आप तो खाते हैं ना जेली, तो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। अ स्टोन इज हार्ड सॉफ्ट। अब बताएं स्टोन हार्ड है कि सॉफ्ट है, बिल्कुल हार्ड होता है, सख्त किस्म का होता है। आइस इज हॉट कोल्ड, क्या कैसी होती है, हॉट होती है, कोल्ड होती है, कोल्ड होती है क्योंकि ठंडी ठंडी सी होती है। टी इज़ हॉट कोल्ड, टी कैसी होती है, चाय पी ना आप लोगों ने, तो कैसी होती है, हॉट होती है। अ फुटबॉल इज राउंड स्क्वायर, तो फुटबॉल किस शेप में होता है, राउंड शेप में, सही है। ओके क्लास, होपफुली आपको आज की क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ आई। आप लोगों का होमवर्क है जो आपको ये पेज नंबर 4 कंप्लीट करना है अपनी बुक के अंदर। सबसे पहले तो आपको बुक ख़रीदनी होगी, उसके बाद आपको ये एक्टिविटी करनी होगी अपनी बुक के अंदर ही, सही है। होपफुली आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।